हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सभी को बताने वाली रिबॉन्डिंग स्लैश स्ट्रेटनिंग, मैं जो आज प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो है स्कार्चकॉफ की, यानी कि ग्लैट। आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम अदर प्रोडक्ट के बताओ, मैंने ऑलरेडी आपसे मैट्रिक्स और लॉरियल के शेयर किए हैं। सो ये है स्कार्चकॉफ की, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 0 नंबर, क्योंकि इनके हेयर पूरे के पूरे अच्छे क्वालिटी के थे, यानी कि वर्जिन थे, बस नीचे में इनके हाईलाइट्स था। तो मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी कि हाईलाइट्स वाले हेयर में आप किस तरह से स्ट्रेटनिंग करोगे। सो आप बिफोर देख लीजिए कैसा है, और आप देख सकते हो बस थोड़ा बहुत नीचे में प्री लाइटनिंग किया हुआ इनके हेयर पे। तो सबसे पहले आपको शैम्पू करना है। मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल एक्सटेंसिव की शैम्पू, आप किसी भी शैम्पू से कर सकते हो, कोई भी प्योरीफाइंग शैम्पू। देन हम यूज़ करेंगे प्री ट्रीटमेंट, हम कम से कम टॉवल ड्राई कर देंगे हेयर को, यानी कि 20% हेयर ड्राई, एंड देन हम अप्लाई करेंगे प्री ट्रीटमेंट। अब आप में से बहुत लोग सोचते हो कि मैम हम प्री ट्रीटमेंट क्यों यूज़ करें, तो मैं जो प्री ट्रीटमेंट यूज़ करूँगी वो है लॉरियल की प्री ट्रीटमेंट। ये हम उस हेयर पर यूज़ करते हैं जिनके हेयर में थोड़ी सी हाईलाइट्स होती है, जिनके हेयर में थोड़ा हिना रहता है, और जिनके हेयर वीक रहते हैं। सो आप देख सकते हो इनके हेयर बहुत अच्छी क्वालिटी के थे ऊपर में, मतलब पूरे के पूरे वर्जन थे, बट नीचे में थोड़े से हेयर में हाइलाइट्स थे। तो अगर आप डायरेक्टली कर दोगे ना स्ट्रेटनिंग, तो क्या होता है कभी कभी टेंगल्स लगते हैं आपके क्लाइंट के, फिर हेयर फॉल होने लगता है नीचे वाले हेयर में। सो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप प्री ट्रीटमेंट कर दो, देन आप आगे का प्रोसेस करो। ये एक तरीका से प्रोटेक्शन हुआ गाइस, हम इसके ऊपर जो स्ट्रेटनिंग या स्मूदिंग क्रीम को अप्लाई करेंगे ना, तो ये प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं 0 नंबर, यानी कि इंटेंस 0 नंबर थोड़ा हार्ड होता है, मैंने आपको थ्योरी वाली वीडियो में बताया है। सो इस वजह से ये प्रोटेक्ट करेगा आपके हेयर को। तो सबसे पहले मैं 0 नंबर जो फर्स्ट स्ट्रेटनिंग क्रीम होता है उसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। आराम से आप हेयर के, मतलब होता है ना, लेंथ के अकॉर्डिंग क्रीम को निकाल लीजिएगा। तो ये रहा 0 नंबर। सो गाइस, क्रीम को हमने अच्छे से निकाल लिया है, और 10 मिनट्स हो चुके हैं प्री ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद। आपको 10 मिनट्स तक रुकना है, और फिर थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है इस तरह से, और आपको अप्लाई करना है स्ट्रेटनिंग क्रीम, यानी आप फर्स्ट क्रीम भी इसे बोल सकते हो। तो यही हमारे हेयर के बॉन्ड को ब्रेक करता है गाइस, तो ध्यान से सुनिए, आपको पतला पतला सेक्शन लेना है क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है, और रूट से या स्कैल्प से 1 इंच छोड़ के अप्लाई करना है। एंड आपको ये क्रीम जब भी आप अप्लाई करते हो ना, ध्यान रखोगे आप कि इसको जैसे अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, आप घड़ी में टाइम देख लोगे, ये क्रीम आप 15 या 20 मिनट्स के अंदर पूरे हेयर पे अप्लाई कर दोगे। और इस क्रीम को हम रखते हैं 30 to 45 मिनट्स, ये डिपेंड करता है हेयर टेक्सचर पे। जिनके हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और जिनके हेयर अच्छी क्वालिटी की होते हैं ना, तो कभी कभी 30 मिनट्स में भी हो जाते हैं, 25 मिनट्स में भी हो जाते हैं। सो गाइज, मैं जो क्रीम अप्लाई कर रही हूँ ये आप समझ सकते हो 50% वेट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 20% हेयर को ड्राई करके प्री ट्रीटमेंट अप्लाई किया, देन हमने अप्लाई किया फर्स्ट क्रीम को, यानी कि स्ट्रेटनिंग क्रीम को, और बहुत लोग इसे स्मूदिंग क्रीम भी बोलते हैं। सो इसको अप्लाई किस तरह से करना, आपको रूट से 1 इंच छोड़ के, और अप्लाई करने के बाद इमल्सिफिकेशन अच्छे से कर लीजिएगा, जिस तरह से मेरी स्टूडेंट कर रही है। ये मेरी स्टूडेंट है जो अप्लाई कर रही है, और एक बात का हमेशा ध्यान रखें गाइज, आप मेरी अदर वीडियोस को भी चेक करें। अगर आप पहली बार नीचे में विजिट किए और फर्स्ट टाइम मेरी स्मूदिंग की वीडियो को देख रहे हैं रिबॉन्डिंग की, तो आपको समझ नहीं आएगा, आप एटलीस्ट मेरी 2-3 वीडियोस को देख लो। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग वीडियो में, और बहुत लोग मेरी वीडियोस को देख के घर पे करते भी है, मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। सो इस वजह से मैंने सोचा क्या कि मैं आप लोगों को हर एक ब्रांड की दिखा देती हूँ। ऑलमोस्ट लॉरियल की दिखा दिए, मैट्रिक्स की दिखा दिए, आज मैंने आपको ग्लैट की दिखा दी, नेक्स्ट मैं स्ट्रिक्स की दिखा दूंगी। तो मेरी तरफ से भी मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि मैंने आप लोग को जो ब्यूटिशियन कोर्स में सिखा रही हूँ तो मैंने हर कुछ आप लोग को बताया। और आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम हम हाइलाइट्स वाले हेयर में करते हैं तो थोड़ा सा टेंगल्स आ जाता है, क्योंकि ये मुझे पता है बहुत लोगों को ये डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर आप ये वाला प्री ट्रीटमेंट क्रीम लेना चाहते हो या फिर ये पूरा प्रोडक्ट लेना चाहते हो, तो मैंने तो कोलकाता से लिया था, तो मैं उस शॉप का आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ से मैं अपने पार्लर का सामान लेती हूँ और जहाँ से मैंने ये प्री ट्रीटमेंट को मंगाया था। सो मेक श्योर आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइस, वहाँ पे नंबर होगा आपको कोलकाता के शॉप का, तो आप ले लीजिएगा, और आप उन्हें कॉल करोगे तो आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो उनको, ताकि उनको भी पता रहे कि आप मेरे थ्रू उनके पास जा रहे हो। बस सिंपली क्योंकि आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी प्रीवियस वीडियो में, मैम प्री ट्रीटमेंट कहाँ से ले। सो पहले मैं सोच रही थी कि मैं दूँ या नहीं दूँ उनके शॉप का एड्रेस, क्योंकि बिना पूछे तो मैं नहीं दे सकती हूँ, बट मैंने सोचा, मैंने उनसे पूछा और उन्होंने बोला कि हाँ आप दे सकते हो, तो इस वजह से। सो आप परचेज़ कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो।
सो आराम से धीरे धीरे एप्लीकेशन कर लीजिएगा और ईयर टू ईयर वाले सेक्शन में ना कुछ इस तरह से ही कीजिएगा, मतलब आप शोल्डर पे रहने देना, इमल्सिफाई और कॉम जरूर कीजिएगा। कभी कभी मैं लास्ट में भी कॉम करती हूँ। सो जब पूरा अप्लाई कर दोगी ना आप, उसके बाद ना अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि आपने क्रीम को कम अप्लाई किया है या फिर आपको देखना है कि कहीं रह तो नहीं गया, क्योंकि मैं अपनी स्टूडेंट से आज अप्लाई करवा रही थी क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी, तो इस वजह से मुझे जहाँ पे भी कमी लग रही थी ना तो मैं उसे ठीक कर रही थी। लास्ट में आप ये कर सकते हो, ये करना ऑप्शनल है। सो आराम से धीरे धीरे आप देखिए, इनका क्रीम अप्लीकेशन मैंने 20 मिनट्स में पूरे हेयर पे हो गया था। सो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 10 मिनट होते या 15 मिनट होते, आप नीचे वाले हेयर जिसमें हाइलाइट्स है उसको क्या कीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा जो आपने फर्स्ट क्रीम को अप्लाई किया है, ठीक है ना। ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि हाइलाइट्स वाले हेयर जल जाते हैं, बहुत रफ दिखने लगेंगे। 15 मिनट्स बस इसे रखना है आपको हाइलाइट्स वाले हेयर पे, और बाकी हेयर पे तो टाइम लगेगा क्योंकि वर्जिन हेयर है ऊपर, तो बस नीचे वाले हेयर को पे जो भी आपने क्रीम को अप्लाई किया तो उसको रिमूव कर दीजिएगा। बॉल में पानी ले लीजिएगा, या फिर शैम्पू स्टेशन पर भी आप कर सकते हो। बट इसके बाद क्या करना है, रुकना है आपको। जैसे मैंने बोला तो इनके हेयर पे 40 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया था, 35 मिनट्स के बाद मैंने एकदम चेक करना स्टार्ट किया था, तो 30-40 के बीच का है, समझिए 40 मिनट्स मैंने रखा था। तो आप इस तरह से हेयर को इस तरह से खींचोगे ना, आपको इस तरह का एश आकार का वेव दिखेगा हैंड में। इसी से आप समझ जाइएगा आपके हेयर के बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, आपको ना थोड़ा सा इलास्टिक टाइप का हेयर लगेगा। देखिए इस तरह एस पोजिशन का शेप आना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट हो चुका था स्टेप, मैंने प्लेन वाटर से हेयर को वॉश कर दिया और अब कर रही हूँ ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई पहले ठंडा ब्लो ड्राई कर दीजिएगा, देन अब गर्म हवा। इसके बाद मेन स्टेप में आते हैं, वो है प्रेशिंग। तो मैं यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक की प्रो स्ट्रेट और आइकॉनिक की ग्लैम स्ट्रेट, और छोटा छोटा सेक्शन लेके आपको प्रेशिंग करना है। और ये वाला जो हम प्रेशिंग करते हैं ना, ये दो बार कम से कम हम करते हैं। अगर आपको एकदम रिबॉन्डिंग टाइप का इफेक्ट चाहिए, यानी कि पोकर स्ट्रेट हेयर चाहिए, और आपको एकदम लाइट स्ट्रेटनिंग चाहिए, यानी कि आप चाहते हो थोड़ा सा मतलब आपका हेयर हार्ड ना लगे, पोकर स्ट्रेट नहीं लगे, तो आप लाइट आयरनिंग करोगे। बट हाँ, जैसे भी आयरनिंग आप करते हो ना, कम से कम ऐसा करना है आपको कि इनके एक भी हेयर ना वेवी टाइप ना लगे, और जैसे होते हैं ना कभी कभी उड़ने लगते, उस टाइप के नहीं लगने चाहिए। नीट एंड क्लीन ब्लो ड्राई करना है। मैं वीडियो में तो कट कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोर हो जाओगे एक ही चीज़ देख देख के, बट आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइज, क्योंकि अभी हमारे हेयर के बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो अभी हमारे हेयर कमज़ोर है, इसे हम नया शेप दे रहे हैं। तो ये जो हम शेप देंगे ना, तो यही हमारा लास्ट में फाइनल रिजल्ट आएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप प्रेशिंग मशीन अच्छा ले, आप हेवल्स की यूज़ कर सकते हो या फिर आप आइकॉनिक की, कोई भी सेरेमिक प्लेट और टाइटेनियम प्लेट की यूज़ कीजिएगा, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और आप देख सकते हो जैसे जैसे हम प्रेशिंग करते हैं ना, शाइन इतना आता ही हमारे हेयर में, देखिए कितना अच्छा शाइन है, जबकि ये बस एक टाइम मैंने किया, मैं दो बार करूँगी कम से कम। और आप लास्ट में देखिएगा रिजल्ट इतना अच्छा आया था ना, तो बहुत अच्छा है दोनों का, दोनों स्ट्रेटनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप देखिए कितनी फिनिशिंग से कर रही हूँ मैं, और कोशिश करें ऊपर वाले जो हेयर रहते हैं ना, जो हम रूट के पास करते हैं, वहाँ पे ना थोड़ा फास्ट मूवमेंट में कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कर्ल रह जाएंगे आपके हेयर अगर आप अच्छे से नहीं करोगे। सो ध्यान से देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। प्रेशिंग जितनी अच्छी करोगे आपका रिजल्ट ऐसा इतना ही अच्छा आएगा। सो गाइज आप देख सकते हो एक बार ही प्रेशिंग करने पे इतना अच्छा शाइन आया है, तो दो बार मैं करके आती हूँ और आपको तब फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दो बार प्रेशिंग कर दिया है, अब हम अप्लाई करेंगे न्यूट्रलाइजर। तो हेयर को थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, देन ये स्कॉचकॉफ की है, इसमें एन लिखा हुआ रहता है, आपको न्यूट्रलाइजर बाउल में निकालना है। और हाँ एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जब भी न्यूट्रलाइजर को अप्लाई करते हो, आप एक बात का ध्यान रखो कि आप थोड़ा मोटा मोटा सेक्शन ले सकते हो, और इसको अप्लाई करना 10 मिनट्स के अंदर या 15 मिनट्स के अंदर, क्योंकि ये हमारे हेयर को लॉक करता है। अभी जिस पोजीशन में और जिस शेप में आपको हेयर लग रहे हैं ना, लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट यही आएगा। फेविकॉल जैसे होता है ना, हम फेविकॉल को अप्लाई करते हैं 5 मिनट्स के बाद वो स्टिक हो जाता है, उसी तरह से न्यूट्रलाइजर अभी लॉक करने का बस काम करेगा। तो आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि वो बिल्कुल भी हिले डुले ना, एकदम एक पोजीशन में रहे, क्योंकि यही होता है मेन स्टेप गाइज, मतलब लॉक करने वाला। जैसे फर्स्ट क्रीम में इधर उधर क्लाइंट हो भी जाता है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है, बट हाँ अगर सेकेंड क्रीम में होगा तो वेव आ जाएंगे नेक के पास, ये सब बात का ध्यान रखना है। और अगर आप कंफ्यूज है कि मैम आपने 0 नंबर क्यों यूज़ किया स्कॉचकॉफ का, तो मैं आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मेरी थ्योरी वीडियो का, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि स्कॉचकॉफ में 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर में डिफरेंस। तो प्लीज़ एक बार थ्योरी वाली वीडियो को चेक कर लीजिए अगर आपको कन्फ्यूज़ है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो को बार बार नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग देखोगे ही नहीं, बोर हो जाओगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। आई थिंक मेरी थ्योरी पार्ट 1 है स्ट्रेटनिंग, यानी कि 107 ब्यूटिशियन कोर्स मुझे जितना याद है, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
सो न्यूट्रलाइजर को भी आराम से अप्लाई करना है एंड आराम से कॉम के पीछे वाले पॉइंट से मिक्स करते जाना और कटिंग सीट पे रख देना है। गाइज आप एक बात नोट करते होंगे, मैं जब भी मतलब कॉम करती हूँ कॉम के पीछे वाले पॉइंट से ना मिक्स करती हूँ, इससे एक फिनिशिंग लुक आता है। सो धीरे धीरे आप जितना प्रैक्टिस करोगे, वीडियोस को देखोगे, रेगुलरली फॉलो करोगे मुझे, तभी आपको मालूम चलेगा मैं किस तरह से करती हूँ। स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट एक बार में ही अच्छा नहीं आ सकता है, और ये अगर थोड़ा बहुत रूट पे अप्लाई भी हो जाता है ना, घबराने वाली बात नहीं है गाइज, बट कोशिश कीजिएगा ज़्यादा नहीं अप्लाई करें। और हाँ, फर्स्ट क्रीम में आप ग्लव्स जरूर वेयर करोगे, सेकेंड में अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि सेकेंड क्रीम इतना हार्ड नहीं होता है, तो मुझे तो बिल्कुल भी इचिंग नहीं होती सेकेंड क्रीम में। सो अप्लाई एकदम अच्छे से, देखिए किस तरह से नीट एकदम सेक्शन लेना है, और ज़्यादा क्वांटिटी में ना क्रीम लगाए कि वो नीचे ड्रॉप हो जाए, मतलब एकदम नीट काम करना है आपको, मैं इतना ही बोलूँगी। और आप अपने क्लाइंट को एकदम सेटिस्फाई करोगे जिस तरह से मैं करती हूँ, मैं ना कोशिश करती हूँ कि अच्छे से उनको सेटिस्फाई करूँ। मैं कभी भी क्रीम को कम अप्लाई नहीं करती हूँ, ये नहीं सोचती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट लग रहा है। मैं इतना जानती हूँ कि अगर आपका काम अच्छा होगा तभी आपके पास क्लाइंट आएंगे। मैं आपको यही टिप्स देना चाहती हूँ। आप में से बहुत लोग बोलते हो ना, मैम हमारा पार्लर कैसे ग्रो करे, तो आप ना मेहनत करो, दिल से मेहनत करो। आप एकदम अपने जो काम होता है ना उसको अपना पैशन बनाओ, और जैसे मैं यूट्यूब को अपना पैशन मानती हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को मैं सिखाती हूँ, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं ना अपना प्रोडक्ट लगा के भी वीडियो बना रही हूँ, यानी कि क्लाइंट के नहीं मैं वीडियो कभी कभी बना पाती, तो मैं सोचती हूँ नहीं मेरे पास क्लाइंट नहीं है, तो फिर भी मैं मॉडल हायर करती हूँ और मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाती हूँ। तो आप मेंटेलिटी अच्छी रखो, आप ये मत सोचो कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लग रहा है, या फिर आप मेकअप ही कर दे तो आप ये मत सोचो कि आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, तो प्लीज़ इस सब बात को ध्यान रखिए। आप पहले अच्छे से काम करो, अपना हाथ फ्रेश करो, तभी आप आगे का सोचो। तो बस यही मुझे बोलना था। तो धीरे धीरे आप आराम से अप्लाई कर लो न्यूट्रलाइजर को। और हाँ, आप प्लीज़ पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ 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 चेक आउट माय चैनल, अच्छा लग जाएगा मेरा वीडियो, मेरे कंटेंट, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मेरा गोल है इस साल 100K करना, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ जाएगा। सो न्यूट्रलाइजर को मैंने सिर्फ 15 मिनट्स रखा था इनके हेयर पे, और प्लेन वाटर से इसको भी वॉश कर दिया था। नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो 15 ही मिनट रखना है आपको, अगर कर्ली ज़्यादा हेयर लग रहे हैं ना तो 20 मिनट रखिएगा। तो मैंने बस 15 मिनट रखा था, और जैसे जैसे आप ब्लो ड्रायर करोगे आपको हेयर पूरे स्ट्रेट लगेंगे। लोरियल एक्सटेंसो का सीरम यूज़ कर रही हूँ, आप लास्ट में कटिंग दे सकते हो, मैं इनको हल्का कटिंग दे रही हूँ क्योंकि रफ लग रहे थे मुझे नीचे वाले हेयर इनके, क्योंकि हाइलाइट्स भी था इनके हेयर में। सो आपको नीट लगे तो आप दे दो। सो यही है इनका फाइनल रिजल्ट, मैंने कोई अभी तक आयरनिंग नहीं की है। आप अगर ब्लो ड्राई करते हो लास्ट में, और अगर आपके क्लाइंट के हेयर पूरे स्ट्रेट लग रहे हैं जैसे मेरे लग रहे हैं, तो आप समझ जाइए आपका रिजल्ट अच्छा आया है। कोई नीड नहीं है ब्रशिंग की गाइस, अगर आप अच्छे से स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग करते हो। सो यही है फाइनल रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर कमेंट। और हाँ, मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है, आप श्वार्ज़कॉफ की प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, यानी कि ग्लैट, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इवन मैं भी सेटिस्फाई हूँ, मुझे लॉरियल और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा है, मुझे लगता है दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। और शाइन भी बहुत ज़्यादा आया, आप देख सकते हो हेयर पे, और हेयर मैनेजेबल भी बहुत लग रहे थे। सो इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कीजिए जिनको भी घर बैठे स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करना है। और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो जरूर मेरे चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।